बच्चे हम लोग आज डे फोर में देख रहे हैं चैप्टर टू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11। ठीक है, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका नीट पूछता है। गिवन कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ क्लास किंगडम फंजाई अंडर द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पे क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फाइकोमाइसाइट इज़ अ क्लास ऑफ फंजाई। द ग्रुप ऑफ फंजाई इंक्लूड मेंबर सच एज, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर आते हैं, राइजोपस एंड एल्बिगो। ये दो मेंबर आपकी क्लास किसके अंदर आएंगे, फाइकोमाइसाइट के अंदर आएंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन द प्लांट्स दैट फाउंड ऑन डिकेइंग मैटर सच एज वुड। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द मोटाइल जूस्पोर आर नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर। जो जूस्पोर होते हैं ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, और एप्लेनोस्पोर जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। दैट आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन स्पोरेंजियम। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस। ठीक है, एन आइसोगेमस, इसमें गैमेट का स्ट्रक्चर सिमिलर या डिसिमिलर की बात कर रहा है, आर ओगेमस टाइप। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल्ड जाइगोस्पोर। सेकंड क्लास बोल रहा है एस्कोमाइसाइट इज अ ग्रुप ऑफ फंजा इंक्लूड मेंबर्स सच एज पेंसिलियम एस्परजिलस क्लेविसेप एंड न्यूरोस्पोरा। बिल्कुल आपने याद रखना है, मतलब राइजोपस एल्बुगो कौन सी क्लास में आता है, पेंसिलियम एस्परजिलम क्लेविसेप किस में आता है, न्यूरोस्पोरा। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका देख लेते हैं, दे आर स्पोरोफिटिक स्पोरोफिटिक डिकम्पोजर पैरासिटिक। और इसमें क्या लिखोगे आप लोग, कैप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंक। और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर थ्रू सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली सच एज कोनिडिया प्रोड्यूस ऑन कनिडोफोर्स। कोनिडिया प्रोड्यूस इन कोनिडो फोर, कोनिडिया प्रोड्यूस इन कोनिडो फोर, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आपने इसको थोड़ा ध्यान देना बच्चे। ठीक है, फिर पूछ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन सेक लाइक एस्की एंड अरेंज इन साइड द एस्कॉप। और थर्ड क्लास है हमारी फंजाई की, मेंबर सच यूटिलिगो एगेरिकस एंड पुसीनिया। ठीक है, दीज आर सच मेंबर विच बिलोंग्स टू बेसिडो माइसाइट्स। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लो बच्चे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, दे ग्रो ऑन डिकम्पोजर सॉइल्स ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्स। ट्री स्टम्स लॉग्स क्या होता है, जहाँ वाटर लाइविंग स्टेशन में आपको मिल सकता है। दे ऑल्सो अकर इन पैरासाइट इन प्लांट्स कॉजिंग डिजीज सच एज रस्ट एंड स्मट्स। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस कॉमनली थ्रू फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल स्पोर्स आर एबसेंट, सेक्स ऑर्गन्स आर एबसेंट बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू प्लाज्मोगेमी। मतलब क्या होगा, एक ये सेल होगा एक ये सेल होगा, इन दोनों की मेम्ब्रेन की फ्यूजन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेम। इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ हाइफे। फंजाई के बहुत सारे हाइफे कंबाइन होकर माइसिलियम बनता है। ठीक है, बट ये एक मेल और फीमेल कंसिडर किया जाता है। द रिजल्टेंट डाइकेरियन, डाइकेरियन मतलब फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस, गिव राइज टू बेसिडियम, फोर बेसिडोस्पोर्स एंड प्रोड्यूस इनसाइड द बेसिडियम्स। ठीक है बच्चे, तो ये भी आपको बनता है। ड्यूट्रोमाइसाइट इज द लास्ट क्लास ऑफ फंजाई। ड्यूट्रोमाइसाइट, जिन बच्चों ने फंजाई का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ पर आके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में देखें, कौन सी क्लासेज है और क्या उसकी एग्जाम्पल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पे इसको क्लासिफाई कर सकते हो, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आप ध्यान रखोगे। ड्यूट्रोमाइसाइट्स इंक्लूड अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा एंड कोलीट्राइकम्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा इसका, पैरासाइट्स, सम मेंबर्स सेप्रोफाइट वाइल अदर्स आर पैरासाइट्स, लार्ज नंबर ऑफ डिकम्पोजर ऑफ लीफ लिटर। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओनली वे ऑफ रिप्रोडक्शन ड्यू टू माइसाइट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होगी, एब्सेंट होगी थ्रू एसेक्सुअल स्पोर कॉल्ड कोनिडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन ड्यू टू माइसाइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, ये नेक्स्ट कह रहा है व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लिनॉइड। तो यूग्लिना के कुछ करेक्टर आप लोग देखेंगे क्या क्या होते हैं। यूग्लिना यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होता है और फ्रेश वाटर में मिलता है। दूसरा आप इसमें क्या याद रख सकते हैं बच्चे, प्रोटीन रिच सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको पिलिकल्स कहा जाता है। आप बोल सकते हैं दो फ्लैजिला होते हैं इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी में, और स्मॉल लाइट सेंसिटिव आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं इसमें, कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कल्चर क्लोरोफिल एंड द प्रिपेयर देयर ओन फूड, हाउ एरप्शंस ऑफ लाइट दे हैव द हीटरोट्रॉप्स बाय कैप्चरिंग अदर स्मॉल एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। लाइट होती है तो अपने लिए खाना खुद बनाता है, जब लाइट नहीं होती है तो इंसेक्ट फीड करता है। ठीक है,
दे हैव बोथ प्लांट्स एंड एनिमल फीचर्स लाइक दैम मेक डिफिकल्ट टू क्लासीफाई. इसके अंदर दोनों फीचर्स होते हैं, ये कनेक्टिंग लिंक प्लांट और एनिमल के बीच में करता है. ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग थोड़ा अच्छे से देख लो. ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो रहा है. थैंक यू बेटा.